वही अगली खबर श्रीगंगानगर जिले से है, जहां भारत पाकिस्तान की गतसिंहपुर पुलिस ने नशा तस्करों की साजिश को नाकाम कर दिया है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से हेरोइन की बड़ी खेप भारतीय सीमा में आने की साजिश की जा रही थी। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी गौरव यादव ने बताया कि ऑपरेशन सीमा संकल्प के अंदर गतसिंहपुर पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 2 किलो हेरोइन बरामद किए गए हैं। वही बरामद हेरोइन की कीमत 10 करोड़ रुपए। व्यक्ति ने कहा कि हेरोइन के साथ पकड़े गए तीनों तस्कर पंजाब राज्य के तरन तारण के निवासी हैं। श्रीगंगानगर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। सीमा से जो ड्रोन के माध्यम से नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी होती है, उसके मद्देनजर रखते हुए लगातार विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ समन्वय बनाकर के सूचना डेवलप की गई। इस पर्टिकुलर कार्रवाई में यदि बात की जाए तो पुलिस एवं बीएसएफ की जी ब्रांच ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी करते हुए एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है तथा साधा एक नाबालिग को निरुद्ध किया है और करीब 2 किलो के आसपास हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत देखेंगे तो 10 करोड़ के आसपास कीमत है।